जी बिल्कुल, देखिए पुजारी से हमारी बातचीत हुई है, महेंद्र नारायण गिरी जी जो थे उनका कहना था कि इस बार जो है प्रोग्राम को पूरा अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया है, क्योंकि पिछले दो साल जो है लगातार कोई प्रोग्राम इस तरह से आयोजित नहीं किया गया था। इसके अलावा अगर दुधेश्वरनाथ मंदिर की बात करें तो तमाम दिल्ली NCR के जो लोग हैं वो यहाँ पर आना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर पहले कभी रावण के पिताजी और रावण खुद यहाँ पर पूजा किया करते थे, और शिव से जब शिव की पूजा करते थे तो उसी के बाद वरदान प्राप्त हुए थे। और इसके अलावा अगर यहाँ प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से भी पूरी तरह से यहाँ पर बंदोबस्त किए गए हैं, और पूरी तरह से जो जल की व्यवस्था है। इसके अलावा जो भक्त लोग हैं वो यहाँ पर जो है बेलपत्र लेकर आ रहे हैं, धतूरा लेकर आ रहे हैं, और जो दूध है उसको लेकर आ रहे हैं और भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनकी मनोकामना ये है कि जिस तरह से ये पिछले दो साल बीते हैं ऐसे आगे दोबारा ना, और इसके अलावा जो भगवान शिव के नाम पर नशा करते हैं वो लोग भगवान के गाजियाबाद में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद की अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो लगभग 10,000 पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाया गया है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी यहाँ ना हो, किसी भी तरह का कोई हादसा यहाँ ना हो। इसके अलावा सिविल में भी यहाँ पर जो है पुलिस तैनात है और लगातार जो है यहाँ पर अपना चेकिंग अभियान चलाए हुए कि किसी भी तरह की कोई भी घटना यहाँ देखने को ना मिले, क्योंकि कहा जाए यहाँ से बहुत सारी ऐसी गतिविधियां भी देखने को मिलती है कहीं ना कहीं जो आशंकाएं पैदा करती है, जिसकी वजह से लगातार पुलिस भी सिविल वर्दी में भी तैनात। और इसके अलावा अगर बम स्क्वाड की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर तैनात और लगातार चेकिंग कर रहे हैं।